स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेटर में आप लोग का स्वागत है। आज का जो क्लास होगा वो पीवाईक्यू सेक्शन है 2022 के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, डीएसए का कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड और भी ब्रांचेज के हैं जो इसमें कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू 2022 का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो आज हम क्लास देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव सेक्शंस का हमारा पार्ट रहेगा। उसके बाद हमने आपका लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में हम इसे लेके चलेंगे क्योंकि एक साथ कंटिन्यू हम नहीं करेंगे। आपको पहले ऑब्जेक्टिव को आप देखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव हम देखेंगे। इसी तरह जितने भी पीवाईक्यू सेक्शन में लूंगा, जो भी सब्जेक्ट का, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी है, इन सब चीजों का मैं पीवाईक्यू लूंगा, तो वो अदर अलग अलग सेमेस्टर्स में है, तो सारे का मैं इसी तरह से कवर करके चलता हूँ। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव सेक्शन, पार्ट बी सब्जेक्टिव सेक्शन। ओके, तो पेपर कोड जो इसका है वो 100304 है, 100304 है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम डीएसए का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस पीवाईक्यू सेक्शन में डीएसए सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चंस आपका जो पैटर्न है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। आपको 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए रहते हैं जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, ए टू जे के, ए बी सी डी ई एफ एच आई जे करके आपका पूरा अल्फाबेटिकल में आपका नंबरिंग रहेगा, उस तरह से आपको उसमें 7 बनाना है, चाहे अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल तरफ से नंबरिंग हो, ये 10 में आप 7 बनाओगे। ओके, तो 7 में कोई भी आप बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टैक से रिलेटेड है। स्टैक में क्या है, हम डेटा इन करते हैं, रियर फ्रंट जो भी हम डेटा को डालेंगे स्टैक में, तो उस केस में क्या है क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि इन अ स्टैक, स्टैक में इफ अ यूजर ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इट इज कॉल्ड। ठीक है, इट इज कॉल्ड, अगर एम्प्टी स्टैक में जो हमारा मान लीजिए स्टैक हमारा इस तरह से है और ये हमारा एम्प्टी है, कोई डेटा ही नहीं है, और इसमें से रिमूव हम करेंगे तो किसको रिमूव करेंगे। ओके, तो अगर हम रिमूव अगर हम करना करने जाए तो क्या होगा, तो उस केस में यह ऑप्शन 4 है, अंडरफ्लो होगा, एम्प्टी कलेक्शन होगा, गार्बेज कलेक्शन होगा या ओवरफ्लो हो जाएगा। एम्प्टी कलेक्शन तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये हमारा एम्प्टी है, ये हमारा एम्प्टी स्टैक है, तो यहाँ एम्प्टी कलेक्शन का कोई बात नहीं है। गार्बेज कलेक्शन आएगा नहीं, गार्बेज हमेशा जब होता है जब हम रॉ मटेरियल्स देखते हैं, मतलब कोई वैल्यू हम इंसर्ट हमारा रहेगा। गार्बेज कब आएगा, जब हम डेटा देंगे तब तो हमारा कोई रॉन्ग वैल्यू या गलत वैल्यू जो भी है वो हमें एंट्री इनपुट देगा ना। ओवरफ्लो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरफ्लो तो तब होता है जब पूरा डेटा फुल रहे, ऑलरेडी इंसर्ट हमारा डेटा मान लो यहाँ पे डेटा फुल है और हम डेटा इसमें अगर हम डालेंगे तब ना देगा कि ये ओवरफ्लो है, ऑलरेडी फुल है, तो कहां से वो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, तो अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या है कि वो एम्प्टी है, जब एम्प्टी है तो वहां पे क्या होगा, रिमूव हो नहीं सकता। रिमूव हम किसको करते हैं, जहां पे कलेक्शंस ऑफ मटेरियल्स या कलेक्शंस ऑफ डेटा हमारा रहेगा। जब डेटा हमारा इस जगह पे रहेगा तब हम ना किसी नोड के वैल्यू को या किसी स्टैक के वैल्यू को रिमूव करेंगे। ओके, तो हम क्या होगा इस जगह पे, इन अ स्टैक इफ अ यूजर ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए एम्प्टी स्टैक इट इज कॉल्ड एन अंडरफ्लो, एरर और कंडीशन। ठीक है, अंडरफ्लो होगा, एरर जो होगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्या प्रोग्राम हमारा कह रहा है, लेकिन इसका सही ऑप्शन अंडरफ्लो होगा। ओके, क्लियर यहां पे। तो जिस जगह पे आपका डेटा का इनपुटिंग है यानी डेटा हमारा रहेगा
तो वहां पे कोई एक्शंस होता है, डेटा रिमूव हम करेंगे तो डेटा रहना चाहिए, तब स्टैक से रिमूव होगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन का ये ए नंबर था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, कंसीडर द बाइनरी मैक्सिप, यहां पे बाइनरी दे रहा है, ओके, मैक्सिप इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, एरे को इंप्लीमेंट करते हुए यानी एरे को यूज करते हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट एज द हिप, ठीक है। तो इसमें एरे को लेते हुए बाइनरी यहाँ पे दे रहा है, बाइनरी ट्री या हिप को लेते हुए मैक्सिप, यानी मैक्सिप में क्या होता है, रूट जो होता है वो अपने चाइल्ड से बड़ा होता है। मैक्स में हिप में क्या होगा, रूट वैल्यू जो होता है अपने चाइल्ड वैल्यू से बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रूट वैल्यू हमारा क्या होगा, हमेशा जो जहां से चाइल्ड का क्रिएशन होता है रूट से ही आता है। तो आप इस तरह के जो एरे हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसमें कौन सा सटीक बैठता है जो हम पूरा सिक्वेंस में लेते हुए चले। मान लो अगर पहला आप देखते हैं 25, 25, 12, 16, 13, 10, 8 और 14 है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला है। अगर इस तरह से देखें 25 ले लीजिए, फिर 25 हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे ये क्या चला जाएगा, 14, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 25 को मैंने यहाँ पे बना दिया है, 25 है, वहां से 14 गया, ये 16 है। उसके बाद आता है 13 है, तो 13 किसके अंदर चला जाएगा, 14 के अंदर ना, तो उसी तरह 16 यहाँ पे 13 आएगा तो 13 किसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि 13 तो 12 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये सिक्वेंस बढ़ेगा नहीं, अच्छा सही से होगा नहीं, वो इसमें आएगा, यहाँ पे हम मान लो 13 कर देंगे तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह ये भी हमारा नहीं है, 4 में आप बना के देखिएगा, इसी तरह से ये ऑप्शंस होगा। मैक्सिप में क्या है, मैक्सिप में आपको यही देखना है कि रूट जो होगा ऑलवेज अपने चाइल्ड से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर है, 25 हमने दिया, 14 और 16 आया, 14 इसके लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट में 16 चला गया। राइट पार्ट में ऑलवेज जो होते हैं वो थोड़े बड़े जाते हैं, बड़े इन द सेंस की इससे बड़ा, ना कि इससे बड़ा, ओके? उसके बाद हमारा आ जाता है 13। अब आप देखेंगे कि ये जो रूट नोड है, ये दोनों, अब मेन रूट नोड ये हुआ, ये पेरेंट हो गया, ये इसके दोनों चाइल्ड हो गए, ये चाइल्ड हो गया, ये चाइल्ड हो गया, क्लियर यहाँ पे। और जब 13 एरे पे आए, यानी इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी थर्ड नंबर पे हमारा 13 है। 13 इंडेक्स पे क्या आता है, यानी 3 इंडेक्स पे 13 वैल्यू है, तो वो हम जब देखेंगे 13, तो 13 किससे छोटा है, 25 से तो छोटा है ही, 14 से भी 13 छोटा है, तो 13 कहाँ चला जाएगा, 14 के अंदर, यानी 13 का रूट कौन सा हो जाएगा, 14, और 14 का रूट 15 है। उसके बाद आता है 10, तो 10 भी 13 से छोटा है और 14 से भी, तो वो 10 चला गया राइट में, ओके। उसी तरह फिर 8 हमारा है, 8 हम चला ले लें 16 को दे दिए, और हमारा चूंकि बाइनरी बोल रहा है, अब बाइनरी में हमेशा ये देखा जाता है लेवल हमारा हमेशा सेम हो, बाइनरी ट्री का हमेशा क्या है, लेवल सेम होना चाहिए। ये हम 8 को अगर बाइनरी नहीं होता और मैक्स हीप सिर्फ होता, क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चंस को बदल भी दे, मे बी अगर आने वाले सेमेस्टर्स एग्जाम में, हो सकता है यहाँ पे ये बाइनरी हटा दे, सिर्फ हमारा क्वेश्चन क्या रहे, कंसीडर द मैक्स हीप इंप्लीमेंट यूजिंग एन एरे, ये पॉसिबल है, ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग क्या लगाया सेटर, यहाँ पे बाइनरी लिख दिया, तो बाइनरी हमेशा आप लिखिएगा, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेबल सेम रहना चाहिए, ओके। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चंस को पे ध्यान देना है, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक सिर्फ बाइनरी यहाँ लगा दिया है, सेम मानो यही दे दिया तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आप बाइनरी को हटा के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। और अगर बाइनरी को हटा के क्वेश्चन पूछा, तो ये जो 8 पार्ट हमारा आया, वो 8 हम यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको भी चाइल्ड हम आगे बढ़ा सकते थे,
ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है वेरीफाइड आंसर कंसीडर अ बाइनरी मैक्सिप इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे विच वन ऑफ द ए ट्री मैक्सिप डेटा इज इवन एवरी नोड इन द ट्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स द चिल्ड्रेंस ऑफ डेटा। चिल्ड्रेंस डेटा यानी जो चाइल्ड पार्ट है वो हमेशा ग्रेटर कौन होगा, पेरेंट्स पार्ट। इन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिप ट्री नोड एट इंडेक्स आई हैज इट्स लेफ्ट चाइल्ड एट इंडेक्स 2i+1 एंड राइट चाइल्ड इज इंडेक्स 2i+2। ओके, राइट हमेशा थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट से, इसलिए वहां पे 2 है, और लेफ्ट चाइल्ड जो होता है वो एक छोटा होता है, इसलिए वहां पे 1 है। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर बी का 3। अब क्वेश्चन नंबर सी हम देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या कहता है, अ हैश फंक्शन h डिफाइन एज h की इज इक्वल टू की मोड 7, यानी कोई भी की हो अगर हम 7 एरे के रूप में वहां टोटल वैल्यू दिया हुआ है, विथ लिनियर प्रोविंग यूज टू इंसर्ट कीज 44, 45, 79, 55, 91, 18, 63 इनटू अ टेबल इंडेक्स फ्रॉम 0 टू 6, फ्रॉम 0 टू 6, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ की 18। यानी मैं अभी एरे का मैं इंडेक्सिंग करूं, ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैं इस पे वैल्यू पुट कर दूं, क्या है 44, 45, 79, 55, 91, 18, 63, ओके, 63। अब क्या कह रहा है, इनटू अ टेबल इंडेक्स फ्रॉम 0 टू 6, 0 टू 6 यहां से यहां तक है। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ की 18, सिंपल सा है, आप एरे का इंडेक्सिंग यहां पे कंप्लीट कर लोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका 18 नंबर कहां पे है, 5 नंबर इंडेक्स पे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3rd। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3rd, यानी 5वें नंबर इंडेक्स पे। क्या वैसे भी अगर आप ये नहीं बनाते हो और आपको पता है कि आपका इंडेक्सिंग नंबर एरे का हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो आप यहां भी 0 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो, तो यहां पे 5 नंबर कहां पे है, 18 पे, तो 5 कर दोगे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ये इसमें टफ या कंसेप्ट नहीं है। डी नंबर क्या है हमारा, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज बी सॉर्टेड इज ऑलरेडी पार्शियल सॉर्टेड देन डैश सॉर्टिंग कैन बी एफिशिएंट। इसमें से कौन सा सॉर्टिंग होगा जो यूज होगा जब इफ द नंबर वैल्यू टू बी सॉर्टेड इज ऑलरेडी पार्शियल सॉर्टेड है। ठीक है, पार्शियल सॉर्टेड हमारा है, ओके, जो हमारा डेटा है ऑलरेडी पार्शियल सॉर्टेड है, मतलब लगभग सॉर्टेड है, हो चुका है, देन सॉर्टिंग कैन बी एफिशिएंट। तो इसमें से कौन सा सॉर्ट जो होगा इसके लिए उस समय के लिए एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा। तो मर्ज सॉर्ट तो हमेशा दो एरे के बीच में मर्जिंग का और डिवाइड एंड कंकर टेक्निक को फॉलो करता है। इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन। सिलेक्शन यहाँ पे अलग अलग रूल से, उसका डेटा का अलग सिलेक्शन होता है, फिर इंसर्शन होता है, फिर वहां पे बबल सॉर्ट यहाँ काम करेगा नहीं, तो क्या बच गया, इंसर्शन सॉर्ट, ऑप्शन नंबर 2। इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, डेटा को लो उठाओ और उस जगह पे जाके इंसर्ट कर दो जो पार्शियल ही ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर कोई डेटा पार्शियली सॉर्टेड है उसे तब फिर क्या करना होगा, यानी एक दो को ऊपर नीचे करेंगे तो सॉर्टेड हो जाएगा, यानी फुल्ली सॉर्टेड हो जाएगा, तो उसके लिए इंसर्शन सॉर्ट जो है वो बहुत अच्छा टेक्निक है, यानी यहाँ पे जो क्या होगा, इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ई, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज ऑलवेज, मर्ज सॉर्ट का
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। ये याद करने वाला आपको मेरा पीछे ये इसका रिकॉर्डेड सेक्शन भी आप देखेंगे या प्रीवियस डीएसए का भी पीवाईक्यू देखेंगे तो मैंने एक चीज को हमेशा आपको बोला है कि हर एक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा याद रखें, दो चीज, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दोनों हर एक चीज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक है वो हुए और भी सिम्प्टोटिक नोटेशन का है उन सब चीजों का कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज आप हमेशा याद रखेंगे। मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, तो यहाँ पे ये आपको लिख देना है। एप नंबर, स्टेट ट्रू और फॉल्स, बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन अ सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन अ सॉर्टेड एरे ऑलवेज, ठीक है। बाइनरी सर्च हमेशा क्या होगा, सॉर्टेड एरे पे ही काम होता है, एकदम सही है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ओ ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, ए भी सही है और बी भी सही है, तो यानी ट्रू ट्रू, यानी दोनों पार्ट हमारा सही है, चूंकि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे काम होता है और बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जीरो यानी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, द करेक्ट आंसर इज 4, ट्रू ट्रू। ओके जी, इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, सर्कुलर वे में इस तरह का डेटा हमारा रहता है, जो डेटा का हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन का काम इसमें हम करते हैं। तो इसमें हमेशा जो काम होगा डेटा इंसर्शन का या डेटा फेचिंग का, दो पॉइंटर के बीच में हमेशा होता है, क्योंकि एक पॉइंटर से सर्कुलर है, फेचिंग एंड इंसर्शन का अलग अलग एक पॉइंटर नोड हमारा होता है। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शंस होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट में वो 2 पॉइंटर होगा। वैसे भी सर्कुलर लिंक लिस्ट हो या लिंक डबल लिंक लिस्ट हो, सिंगली लिंक लिस्ट हो, ये तीनों में हमेशा जो पॉइंटर का कंसेप्ट हमेशा 2 पॉइंटर में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोर देन यानी 2 पॉइंटर कंसेप्ट जो ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर जी का। एच, अ लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग, रूट एंड परफॉर्मिंग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। क्या कहता है, लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग, रूट से जो डेटा हमारा परफॉर्म होना स्टार्ट होता है वो हमेशा ब्रेथ फर्स्ट सर्च से होता है, ठीक है। और भी है लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसमें दिया हुआ है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, डेप्थ, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो डेटा हमारा आएगा, यहां देखिए, लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल इन्वॉल्व विजिटिंग द नोड्स लेवल बाय लेवल, लेवल से लेवल पे हमारा डेटा क्या होता है, विजिट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड मूविंग हॉरिजेंटली, ठीक है। रूट से हमारा स्टार्ट होगा और हॉरिजेंटल उसका जो डेटा हमारा एक साथ एक के बाद हमारा विजिटिंग होगा। दिस इज इफेक्टिवली डन यूजिंग अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में डेटा का जो एक तरह से कहें तो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो 1 by 1 यानी रूट नोड से स्टार्टिंग होता है। ओके, एच, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडीटी, इसमें कौन सा इसका सही ऑप्शंस होगा, कि ये सेम एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नहीं, ठीक है। द डेटा टाइप दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, अ डेटा टाइप फॉर विच ओनली द ऑपरेशन डिफाइन ऑन इट कैन बी यूज्ड बट नन एल्स, ऑल ऑफ द अबव, नहीं, सेम एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के लिए ये होता नहीं है। इंस्टेंशिएट डेटा टाइप दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, ये भी नहीं होगा। अ डेटा टाइप फॉर विच ओनली द ऑपरेशंस डिफाइन ऑन इट कैन बी यूज्ड, सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो होता है उसमें ऑपरेशंस के लिए ज्यादा यूज्ड होता है, ठीक है।
बट नन एल्स, उसके अलावा और कुछ नहीं उसका, और ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा थर्ड है, यानी ये वाला पार्ट। ओके, एंड द लास्ट वन जे जो हमारा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ टी डिस्टिंक्ट कीज। ठीक है, तो इसमें थ्री डिस्टिंक्ट की है तो आपका यहाँ पे फाइव आएगा। इसके अनुसार ये फॉर्मूला इसका होता है Cn 2n फैक्टोरियल हमारा रहेगा डिवाइडेड n प्लस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। इस पे आप 3 को पुट कर दो और उसका कैलकुलेट वैल्यू निकालिए तो आपका यही वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप n की जगह यानी n की जगह आप यहाँ 3 कर दोगे तो 2.2.3 होगा, यानी 3 × 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसका फैक्टोरियल में पॉइंट है, फिर n प्लस 1 कर दो तो 3+1 होगा, यहाँ पे इसका है, फिर n प्लस 3 कर दो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये 5 नंबर आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर्स में ऑब्जेक्टिव सेक्शंस का PYQ हमारा था। अब हम इसके कंटिन्यू में अब चलेंगे इसका सब्जेक्टिव सेक्शन में। सब्जेक्टिव को देखेंगे क्या इसमें क्वेश्चंस है। सब्जेक्टिव्स में आपको बनाना भी हम लोग को पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाइनरी ट्री लिंक लिस्ट इन सब का और इंसर्शन वाला पार्ट सब आएगा, उस पर हम देखेंगे। और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट को पार्ट बी में लेके चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस पार्ट में।